एसटीएससी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में विरोध देखा जा रहा है। कुछ इसी तरह का नज़ारा राजधानी रांची का भी है, जहां पर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी हम राजधानी रांची के हरमू चौक पे मौजूद है और यहां की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि यहां पर भी कुछ इसी प्रकार का विरोध जो है वो किया जा रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एसटीएससी आरक्षण में एक क्रीमी लेयर होना चाहिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध है। ये राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में जो है ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हरमू चौक पे। उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्यों विरोध कर रहे हैं? ओबीसी में भी तो क्रीमी लेयर है, एसटीएससी में क्यों नहीं होना चाहिए? अरे बाबा, क्यों होना चाहिए? हमारा जो आरक्षण का आधार कोई आर्थिक थोड़ी है, हमारा आधार है सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जिसके अंदर अनटचेबल है, अछूतपन है। इसके कारण से हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया था। उन्होंने जाति को समाप्त करने के लिए वर्ग बनाया था और माननीय न्यायालय जो है जाति को समाप्त नहीं कर जातिवाद और बढ़ाने के लिए जो है वर्गीकरण करने का काम कर रही है। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि एक अध्यादेश के माध्यम से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एससी एसटी में वर्गीकरण करने का और क्रिमिनल लगाने का, तो उसका हम लोग अध्यादेश लाकर जो है उसे मामला को पलटे। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं यही प्रमुख मांगे हैं। और दूसरा मांग है कि ओबीसी में जो क्रिमिनल लगाया गया है उसको भी हटाने का काम केंद्र सरकार करे, ये असंवैधानिक है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है, जिसके कारण से वहाँ एसी एसटी और यहाँ तक कि अगड़ी जाति के अन्य वर्ग लोग भी नहीं उसमें शामिल होते हैं, इसलिए उसमें कंपटीशन कराया जाए। जैसे यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है उसी तरह से राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर जजों की नियुक्ति हो, तब जाके हम लोगों को जो है न्याय मिल पाएगा। अच्छा, ओबीसी में क्रीमी लेयर कैसे डिसाइड होता है? आर्थिक आधार पे ही ना? तो ये गलत है ना, हमको सामाजिक रूप से पिछड़ेपन है। हम जो है करोड़पति अरबपति हो जाए और कोई एक जो है गरीब ब्राह्मण हो और जो है जो कौन जाता है, जो बड़े आदमी होता है, जो पैसा वाला होता है, ओबीसी गोड़ लागे बाबा कहता है। तो अगर हम अफसर बन जाएंगे तो वही ब्राह्मण जो है हमको जो है प्रणाम करेंगे, तो वहाँ पर बराबरी नहीं है। वहाँ सामाजिक रूप से वो बड़े हैं और हम जो है आर्थिक रूप से कुछ भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम उनके बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बराबरी करना के लिए ये मानसिकता रहेगी तो चलता ही रहेगा। तो ये मानसिकता जो आप बता रहे हैं, ये मानसिकता जो है आप कह रहे हैं कि हम जाति में हमेशा नीचे ही रहेंगे, कितने भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। नहीं, आर्थिक रूप से मजबूती का आधार ही नहीं, जब तक हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है शासन मिल रहा है ना, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईपीएस शासन प्रशासन में हमारी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। अभी जो है हमारा जो है हिस्सा नहीं है। ओबीसी का 27% आरक्षण है, उसे 8% मिलता है और आप भी क्रिमिनल लगा के हमारे जो लोग उसमें आ सकते हैं उसको रोकने का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। कई एक जगह में जन कहा है आप लोग के समर्थन? देखिए पूरा जगह खुला हुआ है, आप लोग कुछ लोग हैं बस। ये ना कौन समर्थन में नहीं है, क्या है, हम अपनी बात करने के लिए स्वतंत्र है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी आवाज को इस आपके माध्यम से बुलंद कर रहा हूँ। जो गलत है तो गलत है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर नहीं भी हो तो उससे कोई माने नहीं रखता है। और यहाँ पर सैकड़ों लोग थे, हम लोगों ने बंद किया है और उसके बाद अभी थोड़ा बहुत जो है पुलिस से आगे पीछे हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने जो बातें हैं पहचाने में हम लोग कामयाब हो गए हैं। कहाँ सहयोग दो, देखिए अभी आप खुद अन्य जगह पर आप भी मूवमेंट दिन भर पूरा समय अब सभी जगह में जाइए और सभी जगह में देखिए, अंबेडकर चौक जाइए, बिरसा चौक जाइए, फिराई लाल जाइए, कटहल मोड़ जाइए, सारे जगह में आप सारा चीज में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और पूरा भारत बंद का जो विरोध है वो हम दर्ज किए हुए हैं और हमारा भारत बंद है आज का दिन में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेल छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो कि जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़कों पर उतरेंगे, आज नहीं उड़ेंगे, कल उतरेंगे, 2 अप्रैल 2018 को याद कीजिए। और इसी तरह से बंदी हुआ था और सारे देश में बंदी का माहौल बना था। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, बहुत समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ पीछे में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे साथ असंवैधानिक काम किया जा रहा है, हमारे वर्ग के साथ, एससी एसटी ओबीसी के साथ, तो उसका विरोध दर्ज करना हमारा फर्ज है। और वो पब्लिकली ये मालूम होगा, धीरे धीरे सभी को जानकारी होगा और ये
बंद कामयाब रहेगा। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये विरोध इसलिए भी किया जा रहा है कि वैसे लोग जो कि आर्थिक रूप से मजबूत हैं एसटी एससी वर्ग में, उनका लाभ कहीं खत्म ना हो जाए। इसके रूप से आरक्षण का आर्थिक रूप से कोई मापदंड है ही नहीं। सबसे पहले बात जान जाइए कि आर्थिक रूप से आप संविधान का 341 पढ़िए, शैक्षणिक रूप से था ना, कॉन्स्टिट्यूशन 341 पढ़िए ना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि वो क्या है, वो क्या कहता है और किस रूप से क्या सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अधिकार, जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो कानून अपने अनुसार बना दे, ये विधायिका के व्यवस्था में है। वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक संसद भवन में नहीं पास होगा, राज्यसभा में नहीं पास होगा, राष्ट्रपति के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाएगा, तब तक इसका कानून नहीं बन सकता। लागू तो केंद्र सरकार करेगी ना, तो आप पहले से विरोध क्यों? नहीं नहीं, आपको जब मालूम होना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो वो एक कानून बनता है, वो उसको नहीं कोई काट सकता है। तो ये इस तरह से जजमेंट दे के उन्होंने कानून के रूप में इसको ढाला है, तो उसका विरोध प्रदर्शन करना हमारा काम है। और सरकार के द्वारा भी बोला गया है कि क्रिमी लेयर हटाया जाएगा, इसके विरोध में वो अध्यादेश लाने के लिए बात की है। तो हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और उसको सराहना करते हैं कि सरकार इस पक्ष को समझ रही है, लेकिन मैं पूरी रूप से जानना चाहता हूं कि वो क्रिमी लेयर के साथ साथ वर्गीकरण को भी इसको समाप्त करना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये आम जनता का विचार के बगैर लिया हुआ निर्णय है। तो मैं इसी के साथ समाप्त करता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम को अंत का समय आ गया है और इसके साथ ही कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए संवैधानिक व्यवस्था। आम जन सपोर्ट में है, समर्थन में है आप लोगों को लग रहा है सर? हाँ हाँ, पूरा समर्थन में। आप देखिए यहाँ पर आप दो दुकान हम तो देख ही रहे, इसीलिए पूरा बंद है। आप अरगोड़ा चौक वगैरह देख के आई, उधर से बंद करवाते आए हैं हम लोग, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, बिल्कुल समर्थन में है। और आप चौक चौराहे में सब जगह जाइए, पूरा झारखंड बंद है, पूरा देश बंद है, पूरा भारत बंद है, और इसका बहुत तीखा विरोध हो रहा है। और निश्चित रूप से सरकार झुकेगी, आप कल का न्यूज में देख लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो सरकार का नियत है वो साफ नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पर कहने कथनी और करनी में इनका बहुत अंतर है। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और जिस तरीके से एसटी एससी ओबीसी के बीच में एका है, ये ईवीएम से वोट चोरी करके बन रहे हैं, ईवीएम हटा दो, आज देश में बहुजनों की सरकार बन जाएगी। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं क्रिमी लेयर और जो अमीर हो गए उनको नहीं मिलने का, तो आप देख लीजिए बहन अनुप्रिया पटेल जो सरकार में मंत्री हैं, आपके भारत सरकार में, वो उनका संसद में वक्तव्य है कि जब देश आज़ाद हुआ और आज भी एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रैंक जिसमें नीतिगत निर्णय होते हैं, 93 में ओबीसी आरक्षण आ गया था, यानी 50% आरक्षण हो जाना चाहिए, तो एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रैंक पे 50% एसटी एससी ओबीसी होना चाहिए। पर आज भी देश में सिर्फ 9% एसटी एससी ओबीसी एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के रैंक पर है, और उसमें भी 5% आपका शेड्यूल कास्ट है, 3% शेड्यूल ट्राइब है, और 1% ओबीसी, जिसकी जनसंख्या इस देश में 62% है। तो आप एक बात बताइए भाई कि कैसे आप वर्गीकरण कर रहे हैं, कैसे क्रिमी लेयर ले रहे हैं, जिसके पास क्षमता है उसको जाने ही नहीं दे रहे हैं, लोगों को विभिन्न स्तरों पर आप डिसिप्लिनरी तो फलाना ढकाना के नाम पर रोक रहे हैं, नहीं तो कोर्ट का आदेश हो रहा है और वो पैनल में वही रहते हैं, जज कोर्ट में वही रहते हैं। लालू के लिए एक अलग फैसला होता है चारा घोटाला में, और जगन्नाथ मिश्र सत्येंद्र नाथ सिन्हा के लिए अलग फैसला होता है, ये कोर्ट का बदमाशी है, समझ गए? तो ये कोर्ट में भी वर्गीकरण होना चाहिए, कोर्ट में भी जनसंख्या के अनुपात में जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। और जो एक परिवार एक जाति विशेष के लोग बढ़ गए हैं कोर्ट में, मेरी मांग है सरकार से कि उसको बदला जाए, और न बदलेगा तो आंदोलन के माध्यम से सरकार में आके हम लोग बदलेंगे, और निश्चित रूप से बदलेंगे आने वाले कुछ समय में। आप देखिए इस देश में क्रांति होगी, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक क्रांति खूनी क्रांति भी हो सकती है। ये मैं आपके चाहे जजों की नियुक्ति में भी आरक्षण होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। मेरी बात, मेरा जो एस्पिरेशन है, मेरी क्या सोच है, क्या समझ है, सामाजिक क्या व्यवस्था है, इसके बारे में वो ब्राह्मण क्या जानेगा जो हमेशा तोड़ के और लोगों को राज किया है, आज भी वही कर रहा है। कॉलेजियम जो है वो कौन कौन सा देश में लागू है, किस मेरिट पर वो लोग आते हैं, नियुक्ति जजों का किस आधार पर हो रहा है, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मनु सिंह भी कहा, देख चुके हैं वीडियो कि कैसे नंगा नाच चलता है जजों की नियुक्ति के लिए। तो इसलिए मेरा विरोध है इस व्यवस्था से, और मेरी मांग है सरकार से कि इसको खत्म करें, और नहीं तो हम तो सरकार में आके बदलेंगे ही। धन्यवाद। विरोध जो है वो आप साफ रूप से देख सकते हैं किस तरह से विरोध किया जा रहा है, और तस्वीरें जो है हमने दिखाई कि किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जो है प्रदर्शन लगातार आपको देखने को मिलेगा,
राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में और कितने लोग यहाँ पर हैं वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई देगी। बहुत सारे जो है बातों को इन्होंने रखा है कि किस तरह से नियुक्ति होनी चाहिए, जजों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, ये तमाम बातें जो है इन्होंने अपने बातों में रखा है। हालांकि देखने वाली बात होगी इस विरोध का असर कहां तक जाता है और इसका इम्पैक्ट क्या कुछ देश भर में होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार रांची।